रेणुका स्वामी हत्याकांड। कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन को 4 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। शनिवार 22 जून को बेंगलुरु की एक अदालत ने रेणुका स्वामी हत्याकांड में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को 4 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनके 4 कथित साथियों को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अभिनेता 11 जून से पुलिस हिरासत में है। विशेष लोक अभियोजक ने आरोपियों को अलग अलग और कर्नाटक भर की अलग अलग जेलों में रखने का निर्देश देने की प्रार्थना की, जिसका दर्शन के वकीलों ने विरोध किया। दर्शन और उनके सहयोगियों को बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा स्थित केंद्रीय जेल ले जाया गया। बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक अदालत में एकत्र हुए और दर्शन के पक्ष में नारे लगाए। अभिनेता ने पुलिस वैन से उनका अभिवादन किया। अभिनेता की दोस्त पवित्रा गौड़ा सहित 13 अन्य आरोपियों को 2 दिन पहले 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हत्या के मामले में कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था भेजे थे, जिससे दर्शन नाराज हो गया और कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी गई। रेणुका स्वामी का शव 9 जून को यहाँ सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट से सटे एक नाले के पास मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रेणुका स्वामी की मौत कई कुंद चोटों के परिणाम स्वरूप सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई थी। ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ।